गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए, मैंने आपसे बोला कि मैं एक क्वेश्चन के साथ आ गया हूं, तो ये नया क्वेश्चन है, इस पर बड़े ध्यान देना, आपको फोकस करना है बहुत बड़ी तरीके से। ये 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ध्यान दिया क्वेश्चन पे। एक लीडिंग लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी कुछ फिक्स चार्ज लेती है 3 दिन के लिए, और उसके बाद एडिशनल चार्ज उसका अलग है। इस तरह से एक लड़की सरिता है, उसने 27 रुपए दिए उसके 5-7 दिन के लिए। दूसरी लड़की है सूसी, उसने 21 रुपए दिए 5 दिन के लिए। सरिता ने 27 रुपए दिए 7 दिन के लिए, सूसी ने 21 रुपए दिए 5 दिन के लिए। अब आपको यह देखना है, देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बना के दूंगा, सॉल्व आपको करना है और कमेंट में आपको बताना है मुझे कि इसका आंसर क्या क्या है। ठीक है जी, अब आप ध्यान से देखिएगा, हमने क्या करा है कि एक सरिता है और एक सूसी है। देखो, एक सरिता है और एक सूसी है, ये दो लड़कियां। इन्होंने क्या करा, इन्होंने सरिता ने पेड करा 27 रुपीज, और कितने दिन के लिए, 27 रुपीज पेड करा इन्होंने, ये करा इन्होंने, ये पेड़ करा इन्होंने 7 डेज के लिए, ध्यान दिएगा 7 डेज के लिए। वहीं पर सूसी ने पेड़ करा 21 रुपीज, और इसने पेड़ करा आपको 5 डेज के लिए। ये बड़ा ध्यान क्वेश्चन है बस। अब देखिए इसने क्या कर रखा है, कुछ फिक्स चार्ज है और कुछ एडिशनल चार्ज है, कुछ तो फिक्स चार्ज है और कुछ एडिशनल चार्ज है। तो मुझे क्या करना है, देखो आप लेट मानेंगे, लेट जो फिक्स चार्ज है, जो फिक्स्ड चार्ज है वो हमने एक्स मान लिया, और जो एडिशनल चार्ज है, एडिशनल चार्ज जो है वो हमने वाई मान लिया। अब देखिए 7 डेज के लिए 3 डेज फिक्स है, फिक्स डेज कितने हैं, 3 डेज फिक्स है। इस 3 के 3 दिन तक आपने किताब का कुछ नहीं देना, 3 दिन आप किताब रखो, किताब को पढ़ो या अपने तकिए से लगा के सो जाओ, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उस 3 डेज के आपको कोई पैसा नहीं देना है। जो उनका लाइब्रेरी का पैसा है उतना ही लगेगा, जो फिक्स चार्ज है। ठीक है, आपको बताना है कि फिक्स चार्ज हमने कितना पे करा, हमने नहीं सूसी ने और सरिता ने, कितना कितना फिक्स और एडिशनल चार्ज पे करा। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर 7 दिन है तो हमने फिक्स माना, सरिता ने फिक्स तो एक्स है, और 7 दिन है, एडिशनल 7 दिन का है, तो 7 में से 3 माइनस करो, 7 में से 3 माइनस करो तो +4y = ये आ गया 27। इक्वेशन आ गई फर्स्ट। देखो सेकंड वाले वाले 5 दिन के लिए है, 3 तो एडिशनल डे है ही, तो आपको क्या करना है, x + 5 में से 3 माइनस कर दो, 2y = ये होगी 21। ये आ गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप मुझे करके और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अब मैं आपको नई चैप्टर नई वीडियो में लेके आऊंगा। थैंक यू।